हेलो नमस्कार है, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं एमके फौजी और आप देख रहे हो अपना ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक और न्यू वैकेंसी लेकर आ रहा हूं। जी हां दोस्तों, ये बम्पर वैकेंसी रहने वाली है क्योंकि दोस्तों इसमें 1125 टोटल पोस्ट की वैकेंसियाँ आई है। वैकेंसी कहाँ आई है दोस्तों? BPNL के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। BPNL का फुल फॉर्म है दोस्तों भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। इसके अंतर्गत आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, साथ ही साथ इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा प्रोसेस क्या मांगा गया और आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है। क्योंकि साहिबान ये वैकेंसी 10th पास से लेकर 12th पास, ग्रेजुएट पास सबके लिए रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट दोस्तों 10th पास वालों के लिए आए हैं। तो इस वैकेंसी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और जो भी आपका शक सवाल हो उसके लिए भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर जाके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना वैकेंसी वीडियो। उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इजी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मैं हमेशा हमारे चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूं। तो पोस्ट का नाम दोस्तों है सेंटर असिस्टेंट, सेंटर एक्सटेंशन अफसर एंड अदर वैकेंसीज। पोस्ट नंबर दोस्तों 1125 रहने वाले हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 14 मार्च 2024 से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट की बात करूँ तो 21 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाले हैं। इसका दोस्तों नोटिफिकेशन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी ऑफिशियल साइट है दोस्तों bhartiyapashupalan.com, इसकी ऑफिशियल साइट है, वहां पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। आपको दोस्तों टोटल पोस्ट का विवरण दे देता हूं। तो सेंटर चार्ज के लिए 125 पोस्ट इसमें रहने वाले हैं। सेंटर एक्सटेंशन अफसर के लिए 250 पोस्ट है यानी 250 पोस्ट। इसके अलावा सेंटर असिस्टेंट के लिए 750 यानी 750 पोस्ट रखी गई है। आपको दोस्तों एज लिमिट बता देते हैं कि केंद्र सहायक की पोस्ट के लिए 21 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, साथ ही केंद्र विस्तार अधिकारी के लिए 21 से 40 साल, केंद्र प्रभारी के लिए 18 से 40 साल एज आपकी मांगी गई है। साहिबान इस एज के अंतर्गत भी आपको अलग से भी छूट दी जाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है उसके अनुसार। बात करें दोस्तों वैकेंसी की सैलरी अलग अलग दी जाएगी तीनों पोस्ट के अनुसार। तो केंद्र सहायक के लिए 37,500 रुपये, केंद्र विस्तार अधिकारी के लिए 40,500 रुपये, साथ ही केंद्र प्रभारी के लिए 43,500 रुपये दिए जाएंगे। ये सैलरी आपको शुरुआत में दी जाएगी, आगे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी भी। तो दोस्तों ये अच्छी खासी वैकेंसी आपके लिए आई है। बात करें इसकी डिटेल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों, सेंटर चार्ज के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से। इसके अलावा सेंटर एक्सटेंशन अफसर के लिए आपको इंटरमीडिएट होना जरूरी है। इंटरमीडिएट के अलावा नेक्स्ट वैकेंसी सेंटर असिस्टेंट की, इसके अंतर्गत आपका 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। ऑल ओवर इंडिया के लेवल की ये वैकेंसी रहने वाली है। तो आप दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही 10th पास करते हो इस आवेदन को आप भर पाओगे। इसके लिए एप्लीकेशन फीस दोस्तों अलग अलग रखी गई है। सेंटर करें तो सेंटर इंचार्ज के लिए 944 रुपये, सेंटर एक्सटेंशन अफसर के लिए 826 रुपये, सेंटर असिस्टेंट के लिए 708 रुपये लगने वाले हैं। आगे की बात करें दोस्तों BPNL वैकेंसी 2024 का सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो इन पदों पर चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा के माध्यम से आपका किया जाएगा। लिखित परीक्षा की सूचना जल्द ही उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको बता दी जाएगी। अपनी ईमेल आईडी पर समय समय पर चेक करते रहना है। साथ ही दोस्तों परीक्षा में पास अभ्यर्थियों की घोषणा भी को पत्र भेजा जाएगा, यानी दोस्तों आपको कॉल लेटर आ जाएगा जैसे आप परीक्षा पास करोगे। अभी आपको दोस्तों अप्लाई कैसे करना है इस वैकेंसी के लिए, तो दोस्तों नोटिफिकेशन वर्णित पदों पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इनके लिए दोस्तों आपको जो ऑफिशियल साइट है bhartiyapashupalan.com, इसके ऊपर आपको जाना है। आवेदन पत्र आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आवेदन पत्र में समस्त प्रकार की जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा। गलत सूचना भरने पर आपका फॉर्म रद्द कर दिया जा सकता है और इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। आवेदन पत्र भरने से पहले पासपोर्ट साइज की फोटो जो 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए वो तैयार रखना है। आवेदक के पास खुद का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा की सूचना इसी आधार पर दी जाएगी। जो फोटो का आकार है वो 50 KB से 100 KB के बीच में ही होना चाहिए, तथा आप जो सिग्नेचर होगा उसका आपका हस्ताक्षर 20 KB से 50 KB होना चाहिए। अभी दोस्तों आपका दिमाग में आ रहा होगा कि पैटर्न इसका क्या रखा गया होगा। तो दोस्तों हमने 2023 का इसको मीडियम में लिया है कि उसका जो पेपर था उसको किस आधार पर लिया गया था। तो दोस्तों उसके अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 50 आए थे, उसका जो बेस्ट रहा था दोस्तों MCQ बेस्ड क्वेश्चन आए थे, इसके अंतर्गत
एक क्वेश्चन का एक मार्क उसके अंतर्गत दिया गया था। इसके अलावा कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई थी। जो क्वालिफाइंग मार्क थे मिनिमम वो 60% थे, यानी 100 में से जिसके 60 क्वेश्चन आए उसको सिलेक्शन किया गया था। इसके अलावा दोस्तों जो रिलेक्शन है वो रिजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं रखा गया था कैटेगरी वाइज। इसके अंतर्गत जो 60 नंबर के क्वेश्चन आए थे वो आपको देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। हिंदी के 8 नंबर के क्वेश्चन, इंग्लिश के 8, साइंस के 8, मैथमेटिक्स के 8, रीजनिंग के 8 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के टोटल दोस्तों 10 क्वेश्चंस आए थे। टाइमिंग आपको 30 मिनट इसमें दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इंग्लिश के कौन कौन से जो चैप्टर है वो आएंगे, उसके लिए एंटोनिम, सिनोनिम और सेंटेंस कंपेंसेशन के क्वेश्चंस आए थे। मैथमेटिक्स के अंतर्गत दोस्तों परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज के क्वेश्चन आएंगे। साथ ही दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी के अंतर्गत कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी ये क्वेश्चंस आए थे और डायरेक्शंस के क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा बात करें तो साइंस के अंतर्गत थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा गया है, तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, द पीरियोडिक टेबल, ब्रांचेज ऑफ साइंस, केमिकल कंपाउंड्स, बायोलॉजी के क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट है लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर के जो क्वेश्चन आए थे जो कंप्यूटर के आएंगे, जिसमें एमएस ऑफिस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फंक्शन की कौन कौन सी होती है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी आदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों BPNL के अंतर्गत मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।